ओके। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट करेंगे, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप करेंगे। तो माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जांपल वो मैग्नीफाइंग ग्लास, बस वही है, लेंस, फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस के और लेंस के बीच में रखना, वर्चुअल इमेज बनती है इसमें। एक रे सीधी फोकस में से आइज, एक सेंटर में से, वर्चुअल इमेज। ये तो लेंस वाला केस है, वर्चुअल इमेज वाला वही ड्रॉ कर देना है बस। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है यहाँ तक? ठीक, डायग्राम बनाने को आएगा। और इसमें बेसिकली इसके साइज का यहाँ कट लगाना है, वो इसलिए ये दिखाने के लिए कि देखो ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट का साइज है, पता लग रहा है ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ी है, ठीक। जो ऑब्जेक्ट है उसका एंगल अल्फा और जो इमेज है उसका एंगल बीटा, सेंटर में एंगल बनाए जाते हैं बीटा एंड अल्फा। जब भी माइक्रोस्कोप आएगा या टेलीस्कोप आएगा, इसकी ना जो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है, मैग्नीफिकेशन निकालनी होती है बेसिकली हमें। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो नॉर्मल आई है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर हमें दिखती है बिना किसी स्ट्रेन के आंखों पे, जब वो इमेज कितने डिस्टेंस पे होती है, 25 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है। उस डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ओरिजिन। 25 से पहले पढ़ सकते हो लेकिन स्ट्रेन पड़ेगा, 25 के बाद भी पढ़ सकते हो स्ट्रेन पड़ेगा, 25 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल में गिवन भी नहीं होता कभी कभी इस इंस्ट्रूमेंट में कि इमेज कहां पर बन रही है, स्टैंडर्ड है कि इमेज हमेशा कहां पर बनानी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्टैंडर्ड है, हमें वही क्लियर दिखाई देगी, ठीक। इसलिए वी की जगह यहां पर क्या कर दिया, टी, 25 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है, यू एफ और वी की जगह टी, ठीक। मैग्निफिकेशन कैसे निकलती है, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपको याद ही है कन्केव की मैग्नीफिकेशन वी बाई यू होती है, जो आप थोड़ा तीन नंबर में आता है, तो थोड़ा इस तरीके से लिखना है। इट इज डिफाइंड एज इमेज का एंगल सेंटर पे डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का एंगल सेंटर पे, दैट इज बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। पर क्योंकि एंगल्स छोटे होते हैं तो बीटा को अप्रोक्सीमेटली टैन बीटा और अल्फा को अप्रोक्सीमेटली टैन अल्फा। टैन बीटा की रेशियो प्लीज ध्यान से देखें, टैन बीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, टैन अल्फा इज इक्वल टू क्यू ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश सी। तो ये दो रेशियोज आ गई। ए डैश क्यू किसके इक्वल है, ए बी, ए डैश क्यू की जगह ए बी, टैन अल्फा आ गया या टैन बीटा आ गया, टैन अल्फा आ गया, ए बी दोनों में कॉमन है, इन्हें डिवाइड कर दें, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होती है, टैन बीटा बाय टैन अल्फा। डिवाइड किया तो आपके पास ये टर्म आ गई, दैट इज ए डैश सी, ए डैश सी का मतलब माइनस वी और ए सी का मतलब माइनस यू, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड, तो वी बाई यू। कोई स्टूडेंट बोला सर ये क्या कर रहे हो, ये तो वैसे ही याद है हमें कि वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होती है, वी बाई यू। तो वो लगा लें, लगा लो, फिर अगर एक आध नंबर कट गया मुझे मत कहना वो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होता है वैसा लिखा होता है, तो इसमें ऐसे ही चलने दो, वैसे पता ही होता है वी बाई यू आएगा, ठीक। न्यूमेरिकल के लिए ठीक है बट वैसे ऐसे ही करना। और लास्ट स्टेप है लेंस फॉर्मूला, ये हमने किया था 1/v, 1/u, 1/f, बताऊंगा। पहले v के लिए कर लिया, अब वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा v को यूज करके दिखाऊंगा। तो इसको v से मल्टीप्लाई कर लिया, v बाई यू मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट कर लिया। जब एक न्यूमेरिकल आएगा, मान लो न्यूमेरिकल देता हूं और जिसमें v 25 सेंटीमीटर है, आप विद साइन कन्वेंशन पुट करते हो तो यहां पर क्या पुट करोगे, -25, तो यहां पर 25 की जगह d बोलना है, v इज इक्वल टू -25 नहीं, v इज इक्वल टू -d। तो यहां पर जब पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d बाई f हो जाएगा, क्लियर। बॉक्स में डालो, क्वेश्चन आएगा फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब d को ना सीधे 25 पुट किया करेंगे हम, फॉर्मूला बन गया ना स्टैंडर्ड, नेक्स्ट टाइम शीट में करके दिखाऊंगा आपको, कोई टेंशन नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये तो केस थोड़ी ना था, ये तो सिंपल था, सिंपल नाम ही सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये आएगा आपके पेपर में, गारंटेड है माइक्रोस्कोप, ये तो बहुत आने का चांस है। इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
2 मिनट में बन जाएगा, इससे ऊपर टाइम नहीं लेगा, सिर्फ ध्यान से देखना है। इसका मैथमेटिकल पोर्शन नेक्स्ट टाइम होना है, सिर्फ डायग्राम होना है। अभी दो लेंस बनाने हैं, दोनों कन्वेक्स बनाने हैं, एक बड़ा बनाना है एक छोटा बनाना है, बड़े वाला आई के पास, ऑब्जेक्ट के पास छोटा, यही रूल है। उल्टा किया तो गलत समझो हुआ ही हुआ। ऑब्जेक्ट के पास ये लेंस है, इस ऑब्जेक्ट के लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, लिखना लिख लो, ऑब्जेक्टिव लेंस न्यूमेरिकल में गिवन होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट लेंस को दूसरे नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्टिव, और आई के पास पड़े हुए लेंस को लिखते हैं आई पीस। आई पीस ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, क्लियर यहां तक? तो ये ऑब्जेक्ट है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है प्लीज। सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट है, आई पीस की एफ ई है। स्टार्ट यहां से करना है, आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के लेफ्ट पे रखना है ताकि रियल इमेज बने। अगर आपने राइट रख दिया तो वर्चुअल बनेगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक रे सीधा और कहां फोकस में से पास करती हुई, ये इसकी इमेज है। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, डन। फिर इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी वर्चुअल इमेज बड़ी करके दिखाएगा। कैसे? वर्चुअल इमेज इसलिए क्योंकि इसकी फोकल लेंथ यहीं कहीं मार्क करो, फोकल लेंथ और लेंस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वर्चुअल इमेज बनेगी और ऑन द सेम साइड बनेगी। एक रे सीधी, एक रे सेंटर में से जहां मिलेगी वर्चुअल इमेज, ये रे, तो बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है यहां तक? और ऑब्जेक्ट के साइज की लाइन यहां खींच लेनी है ये दिखाने के लिए कि ये इमेज का साइज है और ये ऑब्जेक्ट का साइज है, और ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा सेंटर पे और इमेज का बीटा। इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ओ, फोकल लेंथ एफ ओ, इसके लिए इमेज ये रही वी ओ, वी नॉट, यू नॉट, वी नॉट। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन, ये यू ई, आई पी इसके लिए ऑब्जेक्ट यू ई, और इमेज कहां पर वी ई, वी ई की जगह कहां देखने हमने, लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर यहां तक? और डायग्राम बनाने का तरीका उल्टा, ये लेंस, ये एक लेंस, दो लेंस बनाने हैं। इस लेंस के अंदर यहां पर मार्क कर लो एफ नॉट, ये एक ऑब्जेक्ट बना लो और पहले डिसाइड कर लो कि मेरे को तो रियल इमेज बनानी है, कुछ ऐसे बनानी है। तो एक रे सीधा और फोकस में से पास करती हुई, एफ नॉट में से पास करती हुई यहां पे, एक स्केल के सीधा यहां पे, डन। ठीक हो गया? फिर क्या करना है? फिर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और क्या बनेगी कहीं, इमेज। इमेज कहां बनेगी डिसाइड कर लो। इमेज मान लो मैं यहां कहीं बनाता हूं डिसाइड करके, तो एफ ई को यहां कहीं प्लॉट करना पड़ेगा ताकि दिखाने के लिए कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ किस तरफ है। तो क्या करेंगे, एक रे सीधा ऐसे और एक रे कुछ इस तरीके से बनानी है कि वो अल्टीमेटली यही मिले। तो नहीं मिल रही कोई चक्कर नहीं, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा, इतना तो आप कर ही लोगे, बना लो फिर। अभी एक मिनट लेके डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, इसका मैथमेटिकल नेक्स्ट टाइम होना है।